यस बेटे, जैसे अपन ने पहले लेक्चर नंबर 9 के अंदर किया है, कॉनकेव मिरर के लेके मिरर फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, फॉर रियल इमेज के लिए किया था। अब करने वाले हैं बेटे कॉनकेव मिरर का से ही मिरर फॉर्मूला को ड्राइव, और उसका सेकंड केस जो था बेटे फॉर वर्चुअल इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला पर ड्राइव करेंगे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो यहां पर बेटे अपने पास रे डायग्राम है इसका, इमेज फॉर्मेशन का इसकी। तो एक पैरेलल बीम गई अकॉर्डिंग टू रूल प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, और सेकंड व्हेन लाइट रे फॉल डायरेक्टली पोल ऑन द स्फेरिकल मिरर इट ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिन बच्चों ने बेटे 9th लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके वो जरूर देखें, तभी ये बातें जो इसके अंदर हैं बेटे वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो अपने पास यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हुई बेटे, एक ट्रायंगल ए बी पी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, दो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रही है बेटे राइट एंगल, और इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल बी और एंगल बी डैश दोनों के राइट एंगल है, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये एंगल आर एंगल बी डैश पी ए डैश के वर्टिकली अपोजिट है बेटे। तो एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल बी एंगल बी डैश के और एंगल आई इस ट्रायंगल के इस एंगल के क्या हो जाता है इक्वल। अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं बेटे तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती है सिमिलर हो जाती है, और उनके साइड्स का जो प्रोपोर्शन रहता है वो भी हमेशा क्या हो जाता है इक्वल होता है बेटे। तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो देखो बेटे, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम क्या होगी, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाय बी पी। तो अपने पास बेटे वैल्यू क्या बनेगी, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी की वैल्यू क्या अपने पास बेटे v है, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसकी वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव, और b डैश p की वैल्यू अपने पास क्या बेटे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव, से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब सेकंड ट्रायंगल बेटे जो यहां पर फॉर्म हो रही है, ए बी इज वेरी क्लोज टू मिरर, इसलिए ए बी जितना होगा उतना ही क्या होगा बेटे एम पी होगा। तो इसलिए अपने पास जो ट्रायंगल फॉर्म हुई सेकंड एम पी एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश F, ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या बेटे सिमिलर हैं, ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम ट्रायंगल एम पी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। तो क्या हुआ बेटे, साइड्स का प्रोपोर्शन लेते हैं, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय बी डैश एफ बाय पी एफ। हाँ जी, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ की वैल्यू क्या होगी बेटे एफ पी प्लस पी बी डैश, एफ पी प्लस पी बी डैश वैल्यू किसकी होगी बी डैश एफ की, और पी एफ की अपने पास वैल्यू क्या बेटे पी एफ को अपन पी एफ एक बार लिख दें। हाँ जी, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इनकी वैल्यू पुट करें, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू एफ पी की वैल्यू क्या बेटे अपने पास माइनस एफ बी डैश पी बी डैश की वैल्यू क्या बेटे प्लस वी, और एफ पी की वैल्यू क्या अपने पास माइनस एफ, से इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी की दो वैल्यू आ गई बेटे अपने पास, वी बाय माइनस यू एंड माइनस एफ प्लस वी बाय माइनस एफ। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अपने पास वैल्यू क्या बन गई बेटे v बाय माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस वी बाय माइनस एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटे अपने पास क्या बन गया माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू वी, ठीक है बेटे। तो क्या करते हैं दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं बाय यू वी एफ डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ, तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटे माइनस वी एफ बाय यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ बाय यू वी एफ माइनस यू वी बाय यू वी एफ। तो अपने पास जो कैंसल आउट होते हैं बेटे वी एफ से वी एफ कैंसल आउट हो गया, यू एफ से यू एफ कैंसल आउट हो जाएगा, यू वी से यू वी कैंसल आउट हो जाएगा बेटे। तो रह क्या गया अपने पास अब माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू
हाँ जी, वन बाय वी माइनस वन बाय एफ। तो माइनस यू वाली टर्म को उस तरफ ले जाते हैं बेटे, एफ वाली टर्म को इस तरफ ले आए, तो अपने पास क्या बन गया, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी। जो मिरर फॉर्मूला था वो ड्राइव हो चुका है बेटे। थैंक यू सो मच।